हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त जगमीत आज आपके लिए लेकर आए हैं ये बहुत ही सुंदर फ्रंट एलिवेशन से बना के 4 BHK विद पूजा रूम के घर, जो कि 102 गज में बिल्टअप है सेक्टर 123 की लोकेशन में। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों 102 गज में ये घर बिल्टअप है, इसके 2 BHK ग्राउंड फ्लोर पर बिल्टअप रहेगा और 2 BHK ही फर्स्ट फ्लोर पर बिल्टअप रहेगा। दोस्तों 22.5 फुट का इसका फ्रंट रहने वाला है और 40 फुट की इसकी लेंथ रहेगी। 2 कार पार्किंग हमको इसमें मिल जाती है, एक बार फ्रंट परम एरिया पे और एक कवर्ड कार पार्किंग मिल जाएगी। और ये सामने आप देख सकते हैं सारी वेलकम वॉल पे वुडन डिज़ाइंस दिए गए हैं और राइट हैंड साइड में कि 2 व्हीलर की पार्किंग आ जाएगी हमारी प्रॉपर। जैसी आप इसमें फर्निशिंग लाइट्स देख रहे हैं, लाइटिंग देख रहे हैं, वो सारा ही आपको एज इट इज़ मिलने वाला है। दोस्तों स्टेयर्स घर के बाहर से रहने वाली है, स्टेयर्स के नीचे भी हमारा कपबोर्ड दिए गए हैं। और ये सामने आ जाएगा हमारा मेन जाली का दरवाज़ा, जो कि एज इट इज़ हमको मिलने वाला है दोस्तों। और साथ ही में एक हैवी पॉलिश वुडन डोर ये मिल रहा है, आप देख सकते हैं। और घर एंटर करते ही सामने की वॉलपेपर हमको लगा मिल जाता है। राइट हैंड साइड में एक बड़ी विंडो मिल जाती है दोस्तों। जितनी भी आप लाइट्स इसमें देख रहे हैं, लाइटनिंग देख रहे हैं, LED लाइट्स देख रहे हैं, झूमर देख रहे हैं, वो सारा ही इसमें इंक्लूडेड रहेगा दोस्तों। और ये सामने का आप देख सकते हैं सारा हमारा क्रॉकरी टेबल, ये भी सारा इसमें हमको एज इट इज़ मिलने वाला है। एक बड़ी विंडो मिल रही है जिससे काफ़ी सुंदर डे लाइट घर के अंदर रहती है। ड्राइंग डाइनिंग एरिया में ये सामने आप देख सकते हैं LED पैनल भी मिल रहा है और स्प्लिट AC की प्रोविज़न ऑलरेडी इसमें की गई है। आप देख सकते हैं सारा ही LED पैनल के ऊपर स्प्लिट AC की वायरिंग की गई है। और ये डाइनिंग एरिया में हमें बहुत ही सुंदर वुडन कैबिनेट मिल रहे हैं। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड आ जाएगा हमारा मॉड्यूलर किचन, ये आप देख सकते हैं। किचन एरिया हमारा सारा ही प्रॉपर वुडन वर्क के साथ हमको मिल रहा है। ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारा माइक्रोवेव ओवन रखने की स्पेस है। ये आप हैंगिंग लाइट्स भी देख सकते हैं, सारी एज इट इज़ मिलने वाली है। डबल साउंड प्रूफ सिंक मिल जाती है, गैस की पाइप ऑलरेडी इंटरनली फिटेड है दोस्तों। प्रॉपर इनोटेक के साथ ये सारे ही वुडन कैबिनेट्स हमको दिए गए हैं। ये आप बेडरूम की एंट्रेंस पर भी देख सकते हैं, चौकाट के ऊपर भी एक LED लाइट्स लगाई गई है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है दोस्तों। रूम एंटर करते ही हमारे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर डाउन सीलिंग का डिज़ाइन मिलने वाला है। और ये प्रूफ हाइट तक कपबोर्ड्स बैक वॉल पे वॉलपेपर दोनों डिज़ाइनर लाइट्स के इसमें मिल रही है। ये सामने हमारा ड्रेसिंग टेबल इसमें बहुत ही सुंदर तैयार किया गया है और ये एक बड़ा LED पैनल इसमें मिल रहा है। जो रूम का साइज़ है दोस्तों वो है 11 फिट बाय 11 फिट का रूम का साइज़ रहने वाला है। कपबोर्ड्स इससे अलग साइज़ में रहेंगे। और इसके साथ ही हमको मिल जाता है अटैच वॉशरूम। वॉशरूम में भी प्रॉपर 2x4 की टाइल्स लगाई गई है, प्रॉपर रूफ हाइट तक टाइल्स। और सैनिटरी फिटिंग जो इसमें फिट करके देंगे हम आपको वो रहेगी सेरा कंपनी की सैनिटरी फिटिंग्स रहेगी दोस्तों। तो ये था इसका पहला बेडरूम, चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम में दोस्तों। पूरे ही घर में जितने भी 2 डोर्स रहेंगे सारे ही पॉलिश वुडन डोर्स रहेंगे दोस्तों। और ये सेकेंड बेडरूम में एंटर कर चुके हैं, इसमें भी हमको रूफ हाइट तक कपबोर्ड्स मिल रहे हैं, बैक वॉल पे वॉलपेपर, साथ में 2 डिज़ाइनर लाइट्स इसमें इंक्लूडेड है। एक बड़ा LED पैनल के सामने आप देख सकते हैं इसमें मिल रहा है। सामने ड्रेसिंग टेबल भी हमको इसमें भी दिया गया है। और उसी के साथ हमारा आ जाएगा अटैच वॉशरूम। प्रॉपर रूफ हाइट टाइल्स तक इसमें हमको टाइल्स फिटेड मिल रही है रूफ हाइट तक। और इसके बैक साइड में आ जाएगा इसका वॉशिंग एरिया। वॉशिंग एरिया में भी आप देख सकते हैं चारों तरफ 2x4 की टाइल्स लगाई गई है। टैप्स की प्रोविज़न सब में दी गई है, ये फिटिंग सारी आपको पोजेशन से पहले दी जाएगी। तो चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे दोस्तों। स्टेयर्स घर के बाहर से ही है, अगर आप अपना फर्स्ट फ्लोर रेंट आउट भी करना चाहते हैं तो ईज़िली आप यहाँ पर कर सकते हैं। 15 से 18 हज़ार के बीच में ईज़िली इस लोकेशन में रेंट मिल जाता है दोस्तों। फर्स्ट फ्लोर आते ही आप देख सकते हैं हमारा एक बालकनी एरिया जो कि काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया गया है। सामने हमको शीशे वाली रेलिंग मिल रही है। और ये फर्स्ट फ्लोर का आ जाएगा मेन जाली का दरवाज़ा, साथ में हमारा हैवी अपना पॉलिश वाला डोर इसमें मिल रहा है। और साथ ही में ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा हमारा मॉड्यूलर किचन, फुली मॉड्यूलर किचन ये रहेगा। फर्स्ट फ्लोर पर भी वुडन वर्क के साथ रूफ पर डाउन सीलिंग मिल रही है दोस्तों। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड हमारा आ जाएगा मंदिर एरिया, इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि वुडन का मंदिर बनाया गया है, ये सारा इसमें आपको इंक्लूडेड मिल रहा है दोस्तों। ये आ जाएगा इसका फर्स्ट बेडरूम। थर्ड बेडरूम आ जाएगा घर का, और इसमें भी प्रॉपर डाउन सीलिंग मिल रही है, एक LED पैनल दिया गया है। बैक साइड में 2 वुडन कैबिनेट्स दिए गए जो बेड के साथ में आप लगा सकते हैं अपना। और ये फ्रंट की बालकनी एक अलग से रहेगी इस रूम के साथ, एक बालकनी हमारी स्टेयर्स के साथ आ जाती है और एक बालकनी
हमारी ये रूम के साथ सेपरेट बालकनी रहेगी दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छी और एक प्राइवेसी के साथ के रह जाती है हमारी। ये आप देख सकते हैं सारा ही वेस्ट फेसिंग का ये घर रहने वाला है दोस्तों, तो उस वजह से पूरे ही घर में बहुत ही सुंदर डे लाइट रहती है दोस्तों। इसका पीछे कॉमन वॉशरूम दिया गया है और ये आ जाएगा इसका फोर्थ बेडरूम। फोर्थ बेडरूम में भी आप देख सकते हैं प्रॉपर डाउन सीलिंग मिल रही है, बैक वॉल पे वॉलपेपर ड्रेसिंग टेबल हमको मिल रहा है दोस्तों, डोर हाइट तक हमको कपबोर्ड दिए गए हैं। और यह इसका आ जाएगा अटैच वॉशरूम। पूरे ही घर में आपकी कैमरा की केबल की स्प्लिट एसी की वायरिंग ऑलरेडी इंटरनली फिटेड है दोस्तों। और ये आ जाएगा इसका फोर्थ वॉशरूम, आ जाएगा इसका फोर्थ वॉशरूम जो आपका थर्ड बेडरूम के साथ ही कॉमनली यूज़ किया जाएगा। तो कैसी लगी दोस्तों आज के घर की वीडियो? अगर आपको घर की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। जो इस घर की डिमांड है वो है 83 लैक्स की डिमांड है दोस्तों। एयरपोर्ट रोड मोहाली की ये लोकेशन रहने वाली है, सेक्टर 123 सनी इनक्लेव एयरपोर्ट रोड की ये लोकेशन है दोस्तों। वॉक इन डिस्टेंस रहेगा एयरपोर्ट रोड से। तो इसकी विजिट के लिए डिटेल के लिए दोस्तों हमें कॉल करें, हमारा नंबर स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।